वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज शौकत अली। मैं आपका मैथ का टीचर। आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आपके पास दो पॉइंट्स होंगे, ए से बी दो पॉइंट्स होंगे, वो किसी लाइन सेगमेंट पर होंगे, एंड पॉइंट उसका हमने क्या करना है जी, मिड पॉइंट मालूम करना है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो ए पार्ट है उसमें ए दिया गया 9 और 2, बी दिया गया 7 2। अब हमने क्या करना है, इसके मिड पॉइंट मालूम करने। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है कि हमारे पास x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, ये फार्मूला हमने लगाना है मिड पॉइंट के लिए। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 और y2 क्या है। तो ये देखिए जो हमारे पास सवाल दिया गया है, एक इसमें ये वाला जो लाइन है ये है कि x1, यहाँ पर हमने लिखा भी है कि x1 जो है 9 है, फिर जो 2 है ये हमारे पास क्या है जी, y1 है। तो आपने याद रखना है जो हमारे पास a वाले पॉइंट होंगे वो होंगे हमारे पास x1 और y1, जो b वाले पॉइंट होंगे वो हमारे पास होंगे जी x2 और y2। ये इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख भी दिया। उसके बाद हम नीचे फार्मूला लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो फार्मूला हमारे पास है वो x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, ये फार्मूला है। इस फार्मूला के अंदर हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। x1 की जगह आ जाएगा 9, x2 की जगह आ जाएगा जी हमारे पास 7, y1 की जगह आ जाएगा 2 और y2 की जगह आ जाएगा 2। तो नीचे वाले जो है 2 भी आ जाएंगे। 9 + 7 होता है कि हमारे पास 16 / 2 करेंगे तो वो 8 आ जाएगा, जबकि 2 + 2 क्या होता है जी हमारे पास 4 / 2 करेंगे तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये है बिल्कुल आसान फार्मूला मिड पॉइंट का। इसी तरीके से हमने इसके सारे पार्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो बी दिया गया है इसमें हमारे पास 2 - 6 और b है कि 3 - 6, तो ये हमारे पास x1 होगा, ये y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। फार्मूला लगा देंगे पहले की तरह, फार्मूला x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, x1 की जगह 2 आ जाएगा, x2 की जगह 3 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। इसी तरीके से y1 और y2, y1 भी हमारे पास 6 है, -6 है, और y2 भी -6 है, इसको ऐड करेंगे ये -12 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है, आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसका जो पार्ट नंबर सी है इसमें ए और बी दिया गया है, ये हमारे पास x1 है, ये y1, x2, y2। इसका फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला बनाने के बाद इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0/2 हमारे पास 0 होता है, 1 + 1 क्या होता है जी 2, 2/2 हो जाए, ये मान आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास ई पार्ट दिया गया है, आपने जहन में ये रखना है कि हमने बिल्कुल सेम इसी तरीके से मिड पॉइंट मालूम कर लें। तो हमारे पास ई दिया गया 3 - 11, बी है जी 3 - 4, फार्मूला लिखेंगे और ये जो दोनों है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इसके आंसर आ, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे कि हम एबीसी कर चुके हैं। उसके बाद देखिए एफ हमारे पास दिया गया 0 + 0, बी है कि हमारे पास 0 - 5। इसी तरीके से फार्मूला बनाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी लिखेंगे, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, फार्मूले में क्या करेंगे जी वैल्यू पुट कर देंगे, 0 + 0 0 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 0 ही आ जाएगा, जबकि y1 हमारे पास 0 है, y2 हमारे पास -5 है, तो ये आ जाएगा कि हमारे पास -5, 2 पे अगर डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा -2.5। तो ये हमारे पास आंसर है स्टूडेंट। ये बिल्कुल आसान है, आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। 9.3 का ये बिल्कुल आगाज है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई चीज ना समझ आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट करें और अच्छे तरीके से आप सवाल को बार बार करें। थैंक यू।